वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। इंसानों के बाद अब कोविड 19 जानवरों के लिए भी एक गंभीर बीमारी बन गई है। एक नई रिसर्च में पता चला है कि पालतू जानवर भी सोर्स कोव 2 के अल्फा वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। गौरतलब है कि पहली बार अल्फा वेरिएंट दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में पाया गया था और इसे आमतौर पर यूके वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। वेटनरी रिकॉर्ड जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट घरेलू पालतू जानवरों में पाया जा रहा है। स्टडी में पाया गया कि 2 बिल्लियों और 1 कुत्ता PCR परीक्षण में सकारात्मक पाए गए, जबकि 2 अतिरिक्त बिल्लियों और 1 कुत्ते में हृदय रोग के लक्षण विकसित होने के 2 से 6 हफ्ते बाद एंटीबॉडी दिखाई दी। इन पालतू जानवरों के कई मालिकों ने अपने पालतू जानवरों के बीमार होने से कई हफ्ते पहले श्वसन संबंधी लक्षण विकसित किए थे और उन्होंने कोविड 19 के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया था। इन सभी पालतू जानवरों में गंभीर मायोकार्डिटिस यानी हृदय की मांसपेशियों की सूजन सहित हृदय रोग की तीव्र शुरुआत देखी गई थी। अध्ययन के प्रमुख लेखक लुका फेरासिन DVM ने कहा, हमारा अध्ययन कोविड 19 अल्फा संस्करण से प्रभावित बिल्लियों और कुत्तों के पहले मामलों की रिपोर्ट करता है और हाईलाइट करता है कि साथ रहने वाले जानवर सोर्स कोव 2 से संक्रमित हो सकते हैं, जिससे पहले से अधिक जोखिम है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।